मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। सलमान खान आज प्रियंका चहर चौधरी की लगाएंगे क्लास, ये है गलत प्रेडिक्शन मंडली की। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हालांकि आज वीकेंड का वार सलमान खान करने वाले हैं या फराह खान करने वाले हैं या करण जौहर करने वाले हैं, इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही ये कंफर्मेशन आएगी मैं आप तक तो अपडेट पहुंचाऊंगी, पर वहीं पर मंडली जो है किचन एरिया में खड़ी होकर पूरी प्रियंका चहर चौधरी के बारे में और वीकेंड के वार में किसकी किसकी क्लास लगा सकते हैं सलमान खान उसके बारे में बात कर रहे हैं। जहां पर अर्चना भी बाजू में खड़ी है, वो ये सब बातें सुन रही है, पर अर्चना ने इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, किसी को भी इसके बारे में जाके बताया नहीं है। वहीं पर मंडली पूरी ये बात कर रही है कि इस बार और किसने क्या सब चीजें की है, यही तो है जो प्रियंका है, यही तो पूरा हफ्ता जो है कुछ ना कुछ चीजें करती हुई गई है और इतनी ज्यादा गलत गई है, तो इसकी क्लास तो सलमान खान लगाएंगे ही। मैंने बहुत बार देखा है कि ये मंडली जो है जो भी बातें करती है उनकी बातें जो है बहुत ही ज्यादा बेसलेस रहती है, काफी ज्यादा नेगेटिव बात करते हैं, इवन नेगेटिव चीज वो खुद करते हैं, पर वो ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला बंदा जो है काफी ज्यादा नेगेटिव है। जैसे कि एमसी स्टैन ने अंकित के बारे में बोला, निमृत ने अंकित के बारे में बोला, उसके बाद वो मुकर गए, फिर उसके बाद बोला हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो फिर तुम धमकी किस बात की दे रहे हो। वहां पर प्रियंका ने बोला और प्रियंका ने वो मैटर वहीं के वहीं जो है वो सॉल्व कर दिया, और ये लोग जो है प्रियंका की वाट लगाने की बात कर रहे हैं। पांच पांच लोग जो है प्रियंका के ऊपर चढ़ रहे हैं और प्रियंका की ही वाट लगेगी। भाई तुम्हारी वाट लगने वाली है मंडली इस बार, मुझे तो लगता है। हालांकि चाहे कोई भी क्लास लगाए पर मुझे ऐसा लगता है कि मंडली की क्लास लगनी चाहिए, जहां पर शिव ठाकरे की क्लास लगनी चाहिए, इवन सुम्बुल की भी लगनी चाहिए, इवन एमसी स्टैन की भी लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? क्योंकि टिकट के फिनाले इतना इजी नहीं है, यहाँ पर दोस्तियां नहीं देखी जा सकती इस वक्त। अगर दोस्त है तो बुरा नहीं मानेगा, अगर टिकट के फिनाले तुमने लड़के ले लिया, अगर सच्ची दोस्ती है तो बाहर तक भी चलेगी, इससे बुरा कुछ ये बुरा नहीं मान सकते। अगर दोस्त है ही नहीं तो ऑफकोर्स बुरा मानेंगे, तो उस दोस्ती का फायदा क्या? तुम अपने लिए लड़ो, इसमें ट्रॉफी जीतने तुम आए हो। या ये भी सलमान खान या कोई भी ये बात बोल सकता है कि क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि तुम लोग टॉप फाइव में जाने ही वाले हो, इसलिए निमृत नहीं जाएगी, निमृत को कमजोर समझते हो इसलिए निमृत को टिकट टू फिनाले देना चाहते हो। इस तरीके का मुझे लगता है मैटर उठाना चाहिए और बात करनी चाहिए। आपके क्या विचार है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।